जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज़ उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश भर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको फिर से यहाँ देखकर खुशी हुई। इससे पहले के सत्रों में हमने सीखा था कि जीवन के कई पहलू होते हैं, शैक्षणिक, व्यवसायिक, आर्थिक, सामाजिक, रिश्ते, सेहत, मनोरंजन या आनंद और खुद का विकास। स्मार्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए जब हम योजना बनाते हैं और पूरी लगन और दृढ़ता के साथ काम करते हैं, तो हमारे जीवन के कार्य और भी उद्देश्यपूर्ण और सुखदायक हो जाते हैं। हमने सामान्य लक्ष्यों को स्मार्ट लक्ष्यों में बदलना भी सीखा। क्या हम जोड़े बनाने वाले उस क्रियाकलाप पर नजर डालें जिसमें हमने लक्ष्यों के प्रकार पहचाने थे? लक्ष्य प्रकार। जुलाई में स्कूल की टीम चुनी जाएगी और मुझे उससे पहले खुद को तंदुरुस्त बनाना है, सेहत से संबंधित। मुझे खेल कूद का शिक्षक बनना है, शैक्षणिक या व्यवसायिक। मुझे पैसे बचाकर अपनी माँ के जन्मदिन पर उनके लिए एक घड़ी खरीदनी है, आर्थिक। मुझे हर महीने अपने दादा दादी के साथ ज्यादा समय बिताना है, रिश्तों से संबंधित। जब भी मैं कोई बात व्यक्त करता हूँ या करती हूँ, उस समय मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना है। खुद का विकास। मुझे बांसुरी बजाना सीखना है, आनंद या मनोरंजन। हर महीने कुछ समय निकालकर मुझे एक अनाथालय में काम करना है। सामाजिक। हमने शैक्षणिक या व्यवसायिक, सेहत से संबंधित, आर्थिक, रिश्तों से संबंधित और सामाजिक स्मार्ट लक्ष्य बनाना सीखा था। अब हम मनोरंजन या आनंद और खुद के विकास से संबंधित लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। चलिए मनोरंजन या आनंद से संबंधित लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं। माला का लक्ष्य है 6 महीनों में 3 अलग प्रकार के फूलों वाले पौधे उगाना। उसने गुलाब, चमेली और गेंदे के पौधे उगाए। जिसे भी इस बारे में पता चला, उसने माला की बहुत प्रशंसा की। इतनी प्रशंसा मिलने के बाद उसने अपने बगीचे को बढ़ाया और उसमें फूलों वाले कई पौधे उगाए। जब उसकी एक सहेली ने उसकी सफलता के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि लक्ष्य बनाने से, सराहे जाने से और खुद की सफलता से उसे बगीचे को बढ़ाने का प्रोत्साहन मिला। क्या आप दोनों माला और उसकी सहेली के बीच हुए वार्तालाप का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। क्या हम देखें कि माला का लक्ष्य कितना स्मार्ट है? विशिष्ट और स्पष्ट। फूलों के पौधे उगाना, मापा जाने वाला, 3 अलग प्रकार के, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध, 6 महीनों में। माला का लक्ष्य स्मार्ट था, इसलिए वह सफल हुई। आइए मनोरंजन से जुड़ा एक और लक्ष्य लेते हैं
और देखते हैं कि यह कितना स्मार्ट है। गर्मी की छुट्टियों में मुझे दो सादे लहंगे सिलना सीखना है। विशिष्ट और स्पष्ट, लहंगे सिलना सीखना। मापा जाने वाला, दो सादे लहंगे। साध्य, वास्तविक। समयबद्ध, गर्मी की छुट्टियों से पहले। अब मैं चाहती हूं कि आप खुद के लिए एक ऐसा मनोरंजन या आनंद से जुड़ा लक्ष्य सोचें और देखें कि वह स्मार्ट है या नहीं। इसके बाद एक विद्यार्थी को स्वेच्छा से यहां आकर सबको अपने लक्ष्य के बारे में बताना है, ठीक है? धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आप अपना स्मार्ट लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे। आइए अब खुद के विकास से जुड़े लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। अरुण अपने अंग्रेजी शब्द ज्ञान को बढ़ाना चाहता है। वह हर सप्ताह 10 नए शब्द सीखना चाहता है और उन शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक महीने में 300 शब्दों का एक निबंध लिखना चाहता है। क्या हम देखें कि उसका लक्ष्य कितना स्मार्ट है? विशिष्ट और स्पष्ट, अंग्रेजी में 300 शब्दों का निबंध लिखना। मापा जाने वाला, हर सप्ताह 10 नए शब्द सीखना। एक निबंध लिखना। साध्य, वास्तविक। समयबद्ध, एक महीने में। अरुण का लक्ष्य स्मार्ट है और वह दृढ़ता से काम करे तो सफल हो सकता है। खुद के विकास से संबंधित एक लक्ष्य है। आवाज में उचित परिवर्तन लाते हुए मैं 3 सप्ताह के अंदर एक भाषण तैयार करना चाहता या चाहती हूं। क्या हम देखें कि यह कितना स्मार्ट है? विशिष्ट और स्पष्ट, एक भाषण तैयार करना। मापा जाने वाला, आवाज में उचित परिवर्तन लाना। साध्य, वास्तविक। समयबद्ध, 3 सप्ताह में। क्या आपने भी खुद के विकास से संबंधित ऐसा कोई लक्ष्य बनाया है? क्या आप जांच सकते हैं कि आपका लक्ष्य स्मार्ट है या नहीं? इसके बाद क्या आप अपने लक्ष्य के बारे में अपने दोस्तों को बता सकते हैं? धन्यवाद। अब तक हमने देखा कि जीवन के क्या क्या पहलू होते हैं। हमने यह भी जाना कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्मार्ट लक्ष्य किस तरह बनाए जाते हैं। केवल स्मार्ट लक्ष्य बनाने से काम पूरा नहीं होता, हमें उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम भी करना पड़ता है। आइए कुछ तरीकों के बारे में जानें जिनसे हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। जब हम एक दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो हमें राह में कुछ छोटी छोटी सफलताएं भी मिलती हैं जिन्हें हमें सराहना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी का मुख्य लक्ष्य है 25 वर्ष की उम्र से पहले ओलंपिक प्रतियोगिता के किसी भी वर्ग में भाग लेना, तो उस व्यक्ति को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जीतनी पड़ेंगी।
अगर हर स्तर पर वह व्यक्ति इन छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करे तो उसे अगले स्तर पर जाने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम मन में एक दृश्य बना दें कि हमें क्या हासिल करना है तो इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर बनना है तो आप पुलिस की वर्दी में अपनी एक तस्वीर ऐसी जगह रख सकते हैं जहां से आप उसे हर वक्त देख सकें। जब भी आप उस तस्वीर को देखेंगे आपकी पुलिस अफसर बनने की इच्छा और तीव्र हो जाएगी और आपको कड़ी मेहनत करने का प्रोत्साहन मिलेगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको इन बातों से प्रोत्साहन मिलेगा। छोटी छोटी सफलताओं की खुशी मनाना, लक्ष्य का मानसिक चित्र बनाना। जब हम शिक्षा या व्यवसाय, रिश्तों, आर्थिक और सामाजिक मामलों, मनोरंजन और खुद के विकास से संबंधित लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन संपूर्ण हो जाता है और हमारे कार्य उद्देश्यपूर्ण हो जाते हैं। जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखेंगे जिनके अक्षरों का क्रम उल्टा पुल्टा है। ये शब्द बताते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्या फायदे होते हैं। आपको इन शब्दों के अक्षरों को सही क्रम में लगाना है और इन शब्दों को पहचानना है। आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। जब हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो हमें परिणाम स्वरूप संतुष्टि, स्वीकृति, सफलता प्राप्त होते हैं। हमें अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक लक्ष्य बनाने चाहिए और उन्हें हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? जीवन के पहलू, शैक्षणिक या व्यवसायिक, रिश्तों से संबंधित, सेहत से संबंधित, आर्थिक, सामाजिक, आनंद या मनोरंजन, खुद का विकास। हमें खुद के लिए स्मार्ट लक्ष्य बनाने चाहिए, विशिष्ट और स्पष्ट, मापा जाने वाला, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध। लक्ष्य बनाने से हमारे जीवन को उद्देश्य, दिशा और स्पष्टता मिलती है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें इन बातों से प्रोत्साहन मिलता है। छोटी छोटी सफलताओं की खुशी मनाना, लक्ष्य का मानसिक चित्रण। लक्ष्य प्राप्त करने से हमें ये प्राप्त होते हैं, संतुष्टि, स्वीकृति और सफलता। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें ठीक से याद रहें?
प्रश्न एक, आपको विज्ञान की मासिक परीक्षा में 60% अंक मिले हैं। आपने यह लक्ष्य बनाया है कि आप अर्धवार्षिक परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले जो मासिक परीक्षाएं हुई थी उसमें आपको केवल 65% और 67% अंक मिले। आप क्या सोचेंगे? जवाब एक, मुझे अपने जीवन में कभी 80% अंक मिलेंगे भी या नहीं? दो, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ऊंचा लक्ष्य बना लिया है। तीन, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा या रही हूं, पर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। प्रश्न दो, आपको चित्र बनाना पसंद है। आपकी शिक्षिका ने आपका हुनर देखकर कहा कि अगर आप सकारात्मक लक्ष्य बनाएं, तो अपनी योग्यता में सुधार ला सकते हैं और सफल हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे? जवाब एक, मेरे माता पिता मुझे चित्रकला सीखने के लिए अनुमति नहीं देंगे। दो, मेरे पास चित्रकला के लिए कोई समय नहीं है। तीन, मैं खाली समय में अपने हुनर को विकसित करूंगा या करूंगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न एक के लिए आपको विज्ञान की मासिक परीक्षा में 60% अंक मिले हैं। आपने यह लक्ष्य बनाया है कि आप अर्धवार्षिक परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले जो मासिक परीक्षाएं हुई थी उसमें आपको केवल 65% और 67% अंक मिले। आप क्या सोचेंगे? यह जवाब, मुझे अपने जीवन में कभी 80% अंक मिलेंगे भी या नहीं, और शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ऊंचा लक्ष्य बना लिया है, अनुचित है, क्योंकि इनमें सफलता प्राप्त करने की दृढ़ता और छोटी छोटी सफलताओं के बारे में खुश होने की बात नहीं कही गई है। जबकि यह जवाब, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा या रही हूं, पर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, उचित है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की राह में आने वाली छोटी सफलताओं की खुशी मनानी चाहिए। आपने कौन सा जवाब चुना था? प्रश्न दो के लिए आपको चित्र बनाना पसंद है। आपकी शिक्षिका ने आपका हुनर देखकर कहा कि अगर आप सकारात्मक लक्ष्य बनाएं, तो अपनी योग्यता में सुधार ला सकते हैं और सफल हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे? यह जवाब, मेरे माता पिता मुझे चित्रकला सीखने की अनुमति नहीं देंगे, अनुचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास नहीं करना चाहते और दूसरों को दोष दे रहे हैं। यह जवाब,
मेरे पास चित्रकला के लिए कोई समय नहीं है अनुचित है, क्योंकि इसमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की कोई इच्छा नहीं है। जबकि यह जवाब मैं खाली समय में अपने हुनर को विकसित करूंगा या करूंगी उचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको अपने हुनर की पहचान है और आप पूरा प्रयास करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। आपका जवाब क्या है? जिन छात्रों के सारे जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?